महाराष्ट्र में 24 घंटे में 5,210 नए केस सामने आए हैं कोरोना के। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना से 18 लोग अब तक दम तोड़ चुके हैं। आज बीएमसी अधिकारियों के साथ उद्धव ठाकरे की बैठक होगी। दिल्ली का जिक्र करें तो देश की राजधानी दिल्ली में 24 घंटे में 128 नए केस सामने आए। वहीं कर्नाटक का भी जिक्र कर लेते हैं। कर्नाटक में एंट्री से पहले कोविड नेगेटिव रिपोर्ट अब जरूरी कर दी गई है, यह अनिवार्य हो चुका है। 5 तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर सख्ती और ज्यादा बढ़ा दी गई है, तो महाराष्ट्र की सीमा से लगे जिलों से आने वालों की अब जांच की जाएगी, यह अनिवार्य यहां पर कर दिया गया है। बीच में जिस तरह से कोरोना के हालात पर काबू पा लिया गया था काफी हद तक, लेकिन एक बार फिर से जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं वो एक बार संकेत देते हैं इस बात का फिर से कि संभलने की जरूरत है। लापरवाही भारी पड़ रही है और कोरोना एक बार फिर से हावी होता नजर आ रहा है। महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल की ये तस्वीर देखिए इस वक्त आपके सामने मौजूद है। और कोरोना की वापसी की सबसे ज्यादा मार महाराष्ट्र पर इस वक्त दिखाई दे रही है। आखिर महाराष्ट्र में कैसे हुई कोरोना की वापसी और कैसे महाराष्ट्र के शहरों में लॉकडाउन का खौफ लोगों को डरा रहा है, यह रिपोर्ट आप जरूर देखें। बिल्डिंग के बाहर जमीन पर बने गोले, हर फेस पर मास्क, कोरोना से बचने के लिए फेस शील्ड, कुछ याद आया? ये तस्वीरें गुजरात के राजकोट से आई जो नगर निगम के चुनाव के दौरान की, और करीब 2 महीने बाद इन तस्वीरों का जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि कोरोना को लेकर देश भर में खासतौर से महाराष्ट्र और केरल से परेशान करने वाली खबरें आ रही हैं। बढ़ते कोरोना के बीच ये तस्वीरें डर पैदा कर रही हैं। मुंबा देवी में हजारों की संख्या में लोग, पब में लोगों की भारी भीड़, नागपुर में सीताबर्डी बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग का मजा, मुंबई के शादी समारोह में बिना मास्क लगाए लोगों की लापरवाही। कुछ महीने क्या बीते, लोग कोरोना का दर्द और डर भी भूल गए। लोगों की लापरवाही से महाराष्ट्र समेत देश के कई हिस्सों में कोरोना ने फिर से दस्तक देना शुरू कर दिया। देश में कोरोना वायरस ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है। महाराष्ट्र के 34 जिलों में नए मरीज मिले हैं। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के कुल 14,199 नए मरीज मिले हैं। इनमें से आधे यानी कि 7,000 से ज्यादा मरीज अकेले महाराष्ट्र में हैं। लापरवाही किस हद तक बढ़ती जा रही है उसे देखने से पहले इन तस्वीरों को याद करना भी जरूरी है जिसे आपने अपने जहन से मिटा दिया है। जरा याद कीजिए साल भर पुरानी इन तस्वीरों को, कैसे सड़कों पर सन्नाटा पसरा था। बाजार, सिनेमाघर, स्कूल, मॉल सब सुनसान हो चुके थे। लोग दुबक कर घर में बैठने को मजबूर हो गए थे। बेरोजगारी और भूख से बेहाल जनता बड़े शहरों से पलायन करने लगी। क्या साल भर पहले की इन खौफनाक यादों को भूल गए हैं आप? क्या आप भी लॉकडाउन की वो यादें आपकी रूह नहीं कपाती? शायद हाँ, तभी तो आप उन तमाम गाइडलाइंस को भूल गए हैं जिसका पिछले कुछ महीनों तक आप पालन करते नजर आए थे। लेकिन वैक्सीनेशन आने की खुशी और थोड़ी सी छूट क्या मिली, आपने फिर से मास्क उतार दिया, सोशल डिस्टेंसिंग भूल गए, सैनिटाइजेशन के बारे में तो आप कोई सोचता तक नहीं। यही वजह है कि कोरोना फिर से कमबैक कर रहा है। जिन लोगों को लॉकडाउन नहीं चाहिए वो मास्क पहनेंगे, जिन लोगों को मास्क लॉकडाउन चाहिए वो मास्क नहीं पहनेंगे। सिंपल है। लॉकडाउन अगर नहीं चाहिए तो जो तीन चीज हमेशा मैं कहते आ रहा हूं, मास्क पहनिए, हाथ धोइए और एक दूसरे से एक सुरक्षित अंतर रखिए। मुंबई शहर में पब्लिक में मास्क ना लगा के घूमने वालों के ऊपर फाइन अब मुंबई पुलिस के तरफ से किया जाएगा। इससे पहले ये कार्रवाई महानगर पालिका के तरफ से होता था। ये कोरोना के बढ़ते मामलों का ही असर है कि महाराष्ट्र को पाबंदियों ने घेर लिया है।
महाराष्ट्र सरकार ने साफ कहा है कि जहां पर लोग भीड़भाड़ में इकट्ठा होते हैं, मास्क नहीं पहनते हैं, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। इसी के साथ राज्य में तमाम राजनैतिक मोर्चे, आंदोलनों को और धार्मिक स्थलों पर जाने की भी मनाही कर दी गई है। नासिक और पुणे की यदि बात करें, नागपुर की बात करें, तो यहाँ पर स्कूल, कॉलेज और इंस्टीट्यूट्स को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। मुंबई में 1305 बिल्डिंग सील हो चुकी हैं। इसमें रहने वाले सैकड़ों परिवार कोरोना के डर में जी रहे हैं। अमरावती में तो आज से 7 दिन का लॉकडाउन लग गया है। अमरावती और अचलपुर को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है, जबकि अकोला, वासिम, बुलढाणा और यवतमाल में भी पाबंदियां लगाई गई है। पुणे में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। स्कूल कॉलेज बंद हो चुके हैं। जो मास्क पहनना है जरूरी है, उसका अपन पालन करना जरूरी है। आने वाले लोग हैं उनका हम लोग स्वागत करेंगे, लेकिन कोरोना की वजह से उसका भी पालन करना बहुत जरूरी है, और जो नहीं करेंगे उनके ऊपर हम लोग कड़क कार्रवाई करेंगे। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं, और चिंता का विषय वो भीड़भाड़ वाले इलाके हैं जहां पर लोग ज़्यादा इकट्ठा होते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर पाते। बावजूद इसके अगर उनसे बात करिए तो वो झूठा ठहराने पर आपको आमादा है। देखिए किस तरह से लोग यहाँ पर आप ट्रेन से आ रही हैं, आपने बिना मास्क आप घूम रही हैं। अरे मास्क है मेरे पास, गिर गया था तो इसके वजह से बैग में रखा है। देखो अब पहन लीजिए, गिरा हुआ मास्क है। ये आलम है मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन के बाहर का। न सिर्फ दादर बल्कि मुंबई के ज्यादातर रेलवे स्टेशनों पर इसी तरह की स्थिति देखने को मिलती है। आम जनता सरकार के इस फैसले से परेशान है। अंधेरी के इस इलाके में हम मौजूद है और आप देख पाएंगे भीड़ भाड़ वाला इलाका है। यहाँ पर सबसे पहले लोकल की बात करें तो लोकल स्टेशन पास में है, मेट्रो स्टेशन पास में है, बस स्टॉप पास में है। ये पूरी तरह से पब्लिक सेक्टर है, और आपको बता दें यहाँ पर पुलिस बंदोबस्त चौकन्ना है, क्योंकि लापरवाही की तस्वीरें यहाँ पर सबसे ज़्यादा सामने आ रही है। तो तैनाती यहाँ पर BMC के अधिकारियों की कर दी गई है, मार्शल टीम यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे सर, तमाम केस सामने आ रहे हैं, आप उन्हें क्या गाइडलाइन दे रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि किस तरह से मास्क पहनिए, चालान कट कर रहे हैं? जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, और अगर निकलते हैं तो मास्क जरूर पहने। पहले जैसा अभी लोगों के पास पैसा भी नहीं है, और बहुत अभी लोगों के पास ये है धंधा भी नहीं है पहले जैसा। चार हाल है, लोकल है यहाँ, मतलब बढ़ने का चांस था। जब से चालू हुआ तभी से अचानक इसमें इतनी रफ्तार से पकड़ा है ये, सब प्रभावित होंगे, सबके लिए भूखमरी का समय आ जाएगा। वैसे ये तो अकेले महाराष्ट्र का हाल है, बात करें देश की तो पिछले 24 घंटे में एक दिन में 14,000 से ज्यादा मरीज मिले, करीब 83 मरीजों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र में फरवरी महीने में रोजाना 2,000 मरीजों की पहचान हो रही थी, लेकिन अब यह आंकड़ा 6,000 के पार हो गया है। महाराष्ट्र के बाद केरल में सबसे ज्यादा नए केस आ रहे हैं। केरल में 4,070 कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं, 15 लोगों की मौत हुई है। नए केस में 75% मामले महाराष्ट्र और केरल राज्यों से सामने आ रहे हैं। एक्सपर्ट इसके लिए कोरोना के नए स्ट्रेन को भी जिम्मेदार बता रहे हैं, साथ ही लोगों की बढ़ती लापरवाही को भी। दूसरी वजह ये हो सकती है कि जो कि हम लोगों ने देखा कि गए 2 महीने में लगातार हमारे आंकड़े कम होते हुए आए हैं, और शायद हो सकता है कि लोगों के मन में गलतफहमी हो गई हो कि महामारी अब ख़त्म हो गई है, और इसमें इसकी वजह से थोड़ी लापरवाही लोगों के मन में आई हो, ये भी एक वजह हो सकती है। म्यूटेशन के चलते कोरोना वायरस की प्रकृति में आए बदलाव की वजह से अब कोरोना के सिम्टम्स में भी अंतर देखने लगा है, जिसके चलते कई बार सिम्टम्स के आधार पर बीमारी को डायग्नोस करने में परेशानी आ सकती है। जानकारों का कहना है कि वायरस आगे भी म्यूटेट होंगे, लिहाजा दूसरे राज्यों को भी सतर्क रहने की जरूरत है। कोरोना वायरस RNA टाइप का वायरस है। RNA वायरसेस जो होते हैं वो म्यूटेट होते हैं, म्यूटेशन में तो चेंजेस आते ही आते हैं। म्यूटेशंस आएंगे सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, मुझे लगता है पंजाब के अंदर, केरल के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर भी केसेस वापस से बढ़ने लगे हैं। ऐसे ही अगर हालात रहे तो दिल्ली में भी वी विल सून सी दिस टाइप ऑफ थिंग्स इन दिल्ली आल्सो। दिल्ली में, वेस्ट बंगाल में, हर जगह बढ़ रहे हैं। इसलिए हो जाइए सावधान, क्योंकि रूप बदल कर कोरोना आ गया है, और थोड़ी सी लापरवाही आपकी जान पर भारी पड़ सकती है। न्यूज़ नेशन।
और ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई से हमारे संवाददाता शैलेंद्र और दिल्ली से हमारे संवाददाता मोहित बख्शी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले शैलेंद्र आपकी तरफ रुख करेंगे, जिस तरह से महाराष्ट्र में आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, खासतौर से मुंबई का जिक्र करें, इससे पहले भी तमाम तस्वीरें बार बार आपके जरिए हमने देखी हैं, पीछे की तस्वीरों को देखते हुए जरूर बताएं, क्या सख्ती जो प्रशासन की तरफ से की जा रही है उसका नतीजा सामने आ रहा है, या फिर लोगों को अभी भी ये डर नहीं सता रहा है कि अगर एक बार फिर लॉकडाउन लग गया तो जिंदगी एक बार फिर ढर्रे से उतर जाएगी? बातचीत के दौरान और तस्वीरें क्या कुछ कहती हैं? देखिए, इस वक्त मैं मुंबई के अंधेरी रेलवे स्टेशन के बाहर हूँ। अगर यहाँ की तस्वीरें दिखा सकूँ तो दरअसल ये वो यात्री हैं जो लोकल से उतरने के बाद बाहर का रुख कर रहे हैं और अलग अलग साधन से अपने अपने गंतव्य तक जा रहे हैं। प्रशासन की कोशिशों के बाद एक चीज़ तो देखने को मिली है सबीना, कि लोग मास्क को लेकर जागरूक हुए हैं, मास्क ज़्यादातर लोगों ने पहना है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग जैसी चीज़ें अब भी यहाँ पर बेमानी नज़र आ रही है। अगर तस्वीरें मैं दिखाऊँ तो देखिए किस तरह से BST की बस पकड़ने के लिए लोग यहाँ पर खड़े हैं, लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग जैसी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर देखी नहीं जा रही हैं। और सबसे ज़रूरी है कि मास्क पहना जाए, सोशल डिस्टेंसिंग रखा जाए और ख़ुद को सैनिटाइज़ किया जाए, लेकिन यही आम बातें जो हैं वो लोग नहीं समझ पा रहे हैं। और यही वजह है कि मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। फिर भी शैलेंद्र, क्या नतीजा माना जाए, जो प्रशासन की तरफ से सख्ती हो रही है, जो भारी जुर्माना वसूला जा रहा है, उसकी वजह से कम लोगों के मुंह में मास्क तो नजर आ रहे हैं, यानी जुर्माने का डर, सख्ती का डर क्या लोगों के अंदर है? हम चाहेंगे थोड़ी बातचीत, अगर हो सके तो आप जरूर जल्द बातचीत करें और रिएक्शन यहाँ पर लेने की कोशिश करें, क्या सख्ती का नतीजा है मुंह पर मास्क? ठीक है, यहाँ पर आप बोलिए, आप क्या बोल रहे हैं? प्रशासन कुछ नहीं करती है, प्रशासन खाली देखते रहती है। प्रशासन के बोलने से ही तो आज सब मास्क लगा के बैठे हैं। नहीं नहीं, वो बात नहीं है, आप तिवारी मिश्रा दुबे पांडे कौन है आप? चले ठीक है, अगर इतनी जिम्मेदारी यहाँ पर हम लोग खुद निभा लेते तो शायद इतनी सख्ती की जरूरत ना पड़ती। दिल्ली से हमारे संवाददाता मोहित भी हमारे साथ मौजूद है। मोहित, देश की राजधानी दिल्ली का जिक्र करें तो एक वक्त वो था जब आंकड़े ऐसे तेजी से बढ़ रहे थे कि दिल्ली का कहर साफ तौर पर नजर आ रहा था, आज सब कुछ काबू में नजर आता है, क्या इसका नतीजा माना जाए कि लगातार जिस तरह से सख्ती दिखाई गई एक वक्त के बाद वो आंकड़ों पर यहाँ पर नजर आती है, या फिर दिल्ली की जनता भी उतनी ही बेपरवाह दिखाई देती है? देखिए, जिस तरीके से लगातार जो अलग अलग लेवल पर रोक लगाई गई वो भी इसका एक नतीजा है, और जिस तरीके से मामले लगातार बढ़े हैं, सीरो सर्वे जो हुआ था सभी ने आपको याद होगा, उसमें उसके हिसाब से अभी दिल्ली की आधी आबादी से ज्यादा जो आबादी है वो इन्फेक्टेड हो चुकी है, होकर ठीक हो चुकी है, यानी कि जो हर्ड इम्यूनिटी की बात की जाती है उस पर भी कहीं ना कहीं उसका भी असर दिखता है, लेकिन लापरवाही अभी भी ना बरती जाए इसलिए 2000 का चालान जो है वो सरकार ने रखा हुआ है। हालांकि लगातार मांग उठ रही थी, क्योंकि कल का अगर आंकड़ा बताऊं तो 128 मामले नए मामले आए हैं और एक मौत हुई है, ये बहुत अच्छी खबर। मामले पिछले 24 घंटे में एक मरीज ने दम तोड़ा, जानकारी मोहित हमें दे रहे हैं, आगे भी आप दोनों की तरफ रुख करेंगे। फिलहाल शुक्रिया जानकारी के लिए।